नमस्कार, वैदिक टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। नए साल पर घर में लाएंगे अगर आप ये वस्तुएं तो जीवन भर आएगी आपकी खुशहाली और शुभता। वास्तु में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें अगर आप नए साल के मौके पर अपने घर में लाते हैं तो आपका पूरा साल खुशियों से भरा रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जल्द ही नया साल आने वाला है यानी 2022, और सभी लोगों को इस नए साल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। यानी पिछले दो साल यानी कि 2020 और 2021 बहुत ही बुरे रहे हैं। कई तरह के उतार चढ़ाव इन दो सालों में आए हैं, तो इसलिए अब जो आने वाला साल है उसका इंतजार सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ कर रहे हैं। सभी यही चाहते हैं कि उनका नया साल बहुत ही धूमधाम के साथ हो। आज हम आपको बताएंगे वास्तु के हिसाब से कि अगर आप 2022 में कुछ चीजों को अपने घर लेकर आते हैं तो जिंदगी भर आपके घर में खुशहाली और शुभता बनी रहेगी। वो कौन सी चीजें हैं जिनसे आपके परिवार को फायदा पहुंच सकता है, आइए जानते हैं। धातु का कछुआ। नए साल पर अगर आप अपने घर में मिट्टी से बना या फिर धातु से बना कछुआ लाकर रखते हैं तो इससे आपका घर शुभता से भर जाएगा। अगर आप मिश्रित धातु का कछुआ लाते हैं तो उसे आप उत्तर दिशा में रखें। ऐसा करने से घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और किस्मत भी आपका खूब साथ देगी। पिरामिड। फेंगशुई वास्तु में पिरामिड का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है और ऐसी मान्यता है कि पिरामिड में अपने आसपास की वस्तु के गुण उसके धर्म बदलने की क्षमता होती है। आने वाले साल की शुरुआत में अपने घर में आप पिरामिड लेकर आएं। पिरामिड धातु या फिर स्फटिक का भी हो सकता है। पिरामिड घर में रखने से वातावरण सकारात्मक होता है और घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, पिरामिड को घर में रखने से आपको आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की भी मिलेगी। मोती शंख। शंख घर में होने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और नए साल पर आप अपने घर में शुभता के लिए मोती शंख ला सकते हैं। इससे घर में खूब पैसा आता है। अगर आप अपने घर में लाकर विधि विधान के साथ इसका पूजन करके ऐसे तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपके जीवन से पैसे से जुड़ी जो भी परेशानी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। मोरपंख। मोरपंख कान्हा जी को बहुत प्रिय है और इसलिए इसे बेहद चमत्कारी भी माना गया है। नए साल में अगर आप अपने घर में मोरपंख लाते हैं तो इस मोरपंख से आपकी किस्मत सुधर सकती है। आप अपने घर में 1 से 3 मोरपंख रखें और देखिएगा कि इससे आपका भाग्य कितना प्रबल होएगा और जीवन की सारी परेशानियां सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वास्तु में बताए गए ये उपाय आपको लाभ पहुंचाएंगे और आने वाला साल आपका मंगलमय होगा। इसी के साथ वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।